नमस्कार दोस्तों, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना है। यहाँ पर एक और स्टेट ने 10% रिजर्वेशन एक्सेप्ट कर दिया है। यह आर्टिकल महाराष्ट्र के स्टेट के बारे में है और महाराष्ट्र के कैबिनेट ने 10% रिजर्वेशन पास कर दिया है। इसका ये मतलब होता है कि अब महाराष्ट्र के स्टेट में भी 10% रिजर्वेशन रहेगा जॉब्स और एजुकेशन दोनों सेक्टर में, और ये 10% रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए होगा जो एक क्राइटेरिया के नीचे आता है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं। अब कुछ और चीजें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वह यह है कि ये जो नया 10% इम्प्लीमेंट हो गया है महाराष्ट्र के स्टेट में, उसके बाद टोटल रिजर्वेशन 78% हो रहा है महाराष्ट्र के स्टेट में। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट कर देगा ये डिसीशन को इसी साल से। लेकिन मैंने जो आपको बताया है मेडिकल कॉलेज में ये डिसीशन इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। हो सकता है 10% रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट नहीं हो मेडिकल सेक्टर में, लेकिन 5 या 2% रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट हो सकता है अगर गवर्नमेंट चाहे तो। तो जो भी इफेक्ट होगा मुझे और भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा। एक और चीज मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वह यह है कि महाराष्ट्र के अलावा गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड ने ये डिसीजन ऑलरेडी पास कर दिया है और ये सभी स्टेट में 10% रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे वीडियो और भी देखना चाहते हो तो नोटिफिकेशन बेल दबा दे और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। धन्यवाद।